तो जब बात आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो सबसे बड़ा जो इंडियन बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है फ्लिपकार्ट। एंड आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में एक फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपका एक अकाउंट है, तो आप फ्री में सुपर कॉइन्स को अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा आपको मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा कैसे आप कुछ प्रोडक्ट को परचेस करे बिना सुपर कॉइन्स को फ्री में अर्न कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। माय सेल्फ कुछ तो आप देख रहे हैं तो चैनल, तो चलिए लेट मत करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो उपयोग करके आप फ्री में सुपर कॉइंस को अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, फ्लिपकार्ट में आप 15,000 से 20,000 के ऊपर आप जब शॉप करोगे तभी ये जो सुपर कॉइंस है वहाँ पर आपको इनेबल हो जाएगा। मतलब फ्लिपकार्ट में आपको 15,000 से स्टार्ट करके 20,000 के ऊपर आपको शॉप करना है तभी आपका जो सुपर कॉइंस वो आपको मिलेगा। मतलब उसके बाद कोई प्रोडक्ट आप परचेस करोगे तो वहाँ पर सुपर कॉइंस आपको देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जब आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में 15,000 के ऊपर और 20,000 के ऊपर शॉप हो जाता है तब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप परचेस करो तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर फ्लिपकार्ट आपको सुपर कॉइन्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 100 रुपया का 4 सुपर कॉइन्स आपको फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है। तो मतलब आप सोचो आप कोई 200 रुपये का कोई कुछ प्रोडक्ट परचेस किया हो तो वहाँ पर आपको 8 सुपर कॉइन्स आपको मिलने वाला है। तो इस सुपर कॉइन्स आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितना भी सुपर कॉइन्स होगा उस सुपर कॉइन्स मार्ग से आप कोई प्रोडक्ट को फ्री में परचेस कर सकते हो। सुपर कॉइन्स आपको देना होगा, कोई भी पे करने को नहीं होगा एंड आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब वो ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कैसे आप सुपर कॉइन्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री में सुपर कॉइन्स को अर्न कर सकते हो। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप फ्लिपकार्ट अकाउंट में 15,000 से 20,000 के ऊपर जब आप कुछ परचेस करोगे, ऊपर से कुछ आप शॉप करोगे तभी ये जो सुपर कॉइन्स है वहाँ पर वो इनेबल हो जाएगा। मतलब उससे बाद आप कोई चीज़ परचेस करोगे तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर फ्लिपकार्ट आपको सुपर कॉइन्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं चलिए तो ट्रिक दिखाता हूँ। तो ये मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट है। फ्लिपकार्ट अकाउंट का आपको क्या करना होगा, कोई भी चीज़ आप परचेस करोगे जब पे करोगे तब आपको जो अकाउंट है वहाँ पे सुपर कॉइन्स वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरे आप देख पा रहे हो सुपर कॉइन्स कितना है, 158 सुपर कॉइन्स है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मुझे ये सुपर कॉइन्स बनाने के लिए कुछ चीज़ को परचेस करना होगा। तो बट मैं परचेस नहीं करना चाहता, वो परचेस नहीं करे बिना ही मैं इस सुपर कॉइन्स को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक प्रोडक्ट को चूज़ करना होगा, प्रोडक्ट को चूज़ करने वहाँ पर बाय करना होगा। और बाय करने के लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। पे ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आपको चूज करना होगा, कोई कार्ड पेमेंट आपको नहीं करना होगा। तो कैश ऑन डिलीवरी आप जब चूज करोगे तो ऑर्डर को प्लेस कर देना होगा। तो ऑर्डर प्लेस जब आपका हो जाए तब क्या करना होगा, आपको एक दिन और डेढ़ दिन से अंदर आपका जो प्रोडक्ट है, आइटम्स जो आप ऑर्डर किया है वो पैक्ड हो जाता है, स्लिप नहीं होता है बट पैक्ड हो जाता है। एक से मैक्सिमम 2 दिन लगता है, एक दिन में वो चीज़ पैक्ड हो जाता है फ्लिपकार्ट में। तो पैक्ड हो जाने के बाद क्या करना है, उस चीज़ को आपको कैंसिल कर देना है। तो चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं माई ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दिया हूँ एंड क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो मैं एक निकैप ऑर्डर किया था जो मैं कैंसिल कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे मैं 9 अगस्त इस निकैप को परचेस किया था जिसका प्राइस है 1614 रुपीस एंड मैं इसको 10 अगस्त में कैंसिल कर दिया। तो ये हाफ दिन के अंदर ही पैक हो गया था एंड मैं उसको 10 अगस्त में कैंसिल कर दिया हूं। तो यहां पर मेरे जो सुपर कॉइंस मिलने वाले तो वो तो मुझे नहीं मिला, बट सरप्राइज वाले बात यही है, जब मैं इस सुपर कॉइंस वाले ऑप्शंस को मैं क्लिक किया तो वहां पर मैं कैंसिल करने के बाद वहां पर देखो आप देख पा रहे हो वहां पर मेरा सुपर कॉइंस हो गया है 163 सुपर कॉइंस, मतलब 5 सुपर कॉइंस मेरा बढ़ गया है। मतलब इस ट्रिक को उपयोग करके आप आपके सुपर कॉइन्स को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये छोटा सा ट्रिक है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ऐसे कर जाओ एंड सुपर कॉइन्स को बढ़ा जाओ, इससे क्या होगा आपका जो अकाउंट है वो फ्लिपकार्ट से बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर देगा। तो एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो, इस ट्रिक को आप आजमा सकते हो। तो इस तरीके से आप आपका जो सुपर कॉइन्स है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो एंड बढ़ा सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। तो अब मैं दिखाऊंगा कैसे आप सुपर कॉइन्स को थ्रू कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो नीचे पे यहाँ पे शॉप वाले का ऑप्शन आप देख पा रहे हो एंड शॉप वाले ऑप्शन के साइड में आपको सुपर कॉइन्स ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सुपर कॉइन्स ऑप्शन को क्लिक कीजिए एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो 163 सुपर कॉइन्स है। तो यहाँ पे आप नीचे रोल डाउन कीजिए एंड रोल डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे 1 रुपीज़, 99 रुपीज़, 49 रुपीज़, बहुत सारे ऑप्शन आपको सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लीजिए, मैं 1 रुपीज़ चूज कर लेता हूँ एंड आपके सामने बहुत सारे
प्रोडक्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट वाला जो आयरन है लाइफलाइन का वो मैं चूज कर लिया हूँ एंड उसका जो प्राइस है वो है 849 रुपीस एंड यहाँ पर मुझे मैं ये फ्री में बाय करूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या देने को मिलेगा, यहाँ पर देखो नीच में लिखा हुआ है उसका प्राइस का, नीच में लिखा हुआ है 1 रुपीज और 848 सुपर कॉइन्स, मतलब यहाँ पर मेरा 848 सुपर कॉइन्स होगा। तो ये मैं 1 रुपीज पे करके वो सुपर कॉइन्स पे करके ये मैं बाय कर सकता हूँ। तो इस ट्रिक उपयोग करके आप सुपर कॉइन्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो एंड आप प्रोडक्ट बाय करके भी आप आपके सुपर कॉइन्स को बढ़ा सकते हो एंड फ्री में कोई चीज़ परचेस कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग टेक्निकल इंस्टिकल वीडियो सबसे आगे मेरे चैनल में देखने के लिए। तो आपका ये विश्वास नहीं हो तो आप आपके फोन में ये ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ ये हुआ है, आपके साथ होगा क्या मुझे नहीं मालूम बट मेरे साथ ये हुआ है तो मैं ये आपको शेयर किया हूँ। तो आज के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।